मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल पर आधारित हो सकता है इस बार का बजट। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली हैं। लोग बड़ी उम्मीद से इस बजट को देख रहे हैं। इसमें आम आदमी और इकोनॉमी को राहत देने वाले कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इस बजट में मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। खबरों की माने तो सरकार वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करते हुए बजट 2023 में जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब की घोषणा कर सकती है। इसके लिए करीब 4500 से 4800 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया जा सकता है। बता दें कि सरकार इस बजट में मेक इन इंडिया पर अपना फोकस रखने वाली है, जिसके लिए हर जिले में ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए तैयारी कर रही है। पहले 50 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट से इसकी तैयारी शुरू होगी। आगे चलकर ऐसे 750 क्लस्टर बनाए जाएंगे। सरकार इसके लिए लॉजिस्टिक्स और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बनाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2018 में एक जिला एक उत्पाद योजना को लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी जिलों में ट्रेडिशनल शिल्पकारों को बढ़ावा देना था। बाद में इस योजना की सफलता को देखते हुए सरकार ने भी इस योजना को अपना लिया और आज देश में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों में इस योजना को पहुँचा दिया गया है।